मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं पराठा टाइम्स। मुंब्रा के रॉयल बिल्डिंग में कल शाम करीब 7 बजे लिफ्ट में 2 साल की मासूम बच्ची का पैर फंस गया। दरअसल अलीजा और उसकी बड़ी बहन मंतसा रॉयल बिल्डिंग के A1 विंग के 7वें मंजिले पर लिफ्ट के गेट पर 2 साल की अलीजा का दाहिना पैर फंस गया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर उसी इमारत में रहने वाले अहमद हुसैन खान लिफ्ट की तरफ गए, वहां का नज़ारा देख दंग रह गए। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई। उधर बच्ची दर्द से चीख रही थी तो वहीं माँ बाप के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। मासूम बच्ची का पैर इस कदर लिफ्ट में फंसा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने लिफ्ट के गेट का कटर मशीन से कुछ हिस्सा काट कर बच्ची को बाहर निकाला। सर, ऐसा है कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नमाज पढ़ के मगरिब के बाद आया। मेरा 3rd फ्लोर पे फ्लैट है और मैं ऊपर जाने के लिए बटन दबाया तो बच्चों का रोने की आवाज़ आई। अब रोने की आवाज़ आई तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि बच्चे शायद फंसे होंगे लिफ्ट में, तो मैं नीचे से 1st, 2nd, 3rd, 4th तक चेक किया तो कोई बच्चे दिखे नहीं। फिर और वापस से बच्चे की रोने की आवाज़, तो मैं ऊपर तक भागते हुए गया तो 7th फ्लोर और 6th फ्लोर के बीच में वो बच्ची फंसी थी, जिसका उसका लेफ्ट हैंड का पैर वो पूरा बुरी तरह उसमें फंस गया था। फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन किया हूँ। फ़ोन करने के बाद माशाल्लाह 20 मिनट शायद हुआ होगा, इमीडिएट ये लोग आए। मैं 3-4 फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को तो बोले ट्रैफिक है दोनों साइड से, मुमरा की तरफ से भी आ रहे, दीवा की तरफ से भी आ रहे, जो पहले आ जाएगा वो आपके मतलब ये होगा। बच्चा रॉयल टावर का 6th फ्लोर का बच्चा है, 602 या 603 का है, मतलब हाँ मेरे सामने हुआ, मैं नेबर हूँ, नीचे 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। इस बच्ची को फौरन बिलाल अस्पताल ले जाया गया। लिफ्ट में पैर फंसने की वजह से बच्ची की पैर की हड्डी तक दिखाई देने लगी है। गनीमत रही कि लिफ्ट रुक गई, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल बच्ची का उपचार बिलाल अस्पताल में चल रहा है और बच्ची सुरक्षित है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।